जहानाबाद में कुछ दिन पूर्व एक बच्ची के साथ 4-5-6 मनचले लड़का ने सील हरण करने का प्रयास किया या सील हरण किया। वो बच्ची चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो भैया, छोड़ दो चचा, लेकिन शायद उसको बख्शा नहीं गया। आज 5 दिन के आसपास में हो गया। वहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन से बातचीत करने पर लोग कहता है कि इसको देख रहे हैं, ऐसे मामला को देख रहे हैं, देख लेंगे, कहना उसकी नपुंसकता का ही द्योतक है। नपुंसक प्रशासन वैसा है जो उस तरह से कह रहा है। रही बात, उससे ज़्यादा जवाबदेही बिहार सरकार की होती है, जो बिहार सरकार में एक ही जहानाबाद का वो मामला नहीं सिर्फ है, अनेकों ऐसा मामला आ रहा है जहाँ पर निरीह बच्चियों के साथ जो अल्पवयस्क हैं उनके साथ इस तरह की घटना घट रही है। और निर्लज्जतापूर्वक लोग बोल रहे हैं कि यहाँ सुशासन है और जो कल्प्रिट है उसको हम बख्शेंगे नहीं, एक जुमला बोल रहे हैं। कब तक ऐसा कहते रहेंगे? कितने बच्चियों का सील हरण वैसा करवा लेंगे तब वो कार्रवाई करेंगे? हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि थोड़ी भी संवेदनशीलता आप में है तो इस चीज़ को अपने जाकर देखिए या अपने मंत्री को जाकर भिजाइए और तत्काल इस पर जो आदमी पकड़ा गया है या पकड़ने वाला है उस पर कार्रवाई कीजिए। और अभी 5 दिन के अंदर जो प्रशासन किसी प्रकार की कार्रवाई न की है उस पर अब सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। और हम समझते हैं कि जो पॉक्सो एक्ट के अंदर अध्यादेश आया है उसका भी अभी तत्काल बिहार में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय का दस्तखत हो चुका है। ये ऐसा उदाहरण मुख्यमंत्री पेश करें, हम समझते हैं ऐसा करने से शायद जो इस प्रकार की घटनाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आएगी।